नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूँ अपने सभी प्रिय दर्शकों का। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, आनंद में होंगे। राशिफल 3 अक्टूबर 2020 क्या कहते हैं आपके सितारे, आइए जानते हैं। यह जानकारी चंद्र राशि पर आधारित होगी, आप नाम राशि से देखकर भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सूर्योदय होगा 6:29 पर, सूर्यास्त होगा 6 बजे। नक्षत्र है रेवती, योग है व्याघात, वार शनिवार, तिथि है कृष्ण पक्ष द्वितीया, विजय मुहूर्त है 2:06 PM से लेकर 2:53 PM तक, और चंद्र राशि है मीन 8:50 AM तक, और फिर मेष। राहु काल है 9:14 AM से लेकर 10:42 AM तक। ये था आज सुबह का संक्षिप्त पांचांग, और अगर आज आपका जन्मदिन है, मैरिज एनिवर्सरी है, तो शुभकामनाएं, मंगल ही मंगल हो आपके जीवन में, ईश्वर से प्रार्थना है। और बात करते हैं राशिफल की। राशिफल शुरू करूं उससे पहले मैं आपको दो बातें बता दूं। जिन लोगों के पास लाजवर्द रथ पहुंच गया है, उनको विधि भी मिल गई होगी, तो विधि में उसको सरसों के तेल या तिल के तेल में डुबो कर रखने के लिए बोला गया है। सरसों का तेल या तिल का तेल, जिसमें भी आप उसको डुबो रहे हैं, उसको डुबोने के बाद उस तेल को, जो तेल मांगने वाले लोग आते हैं शनिवार को, उनको दान दे दें। ठीक है, जो भी जेन्युइन सही लोग हों, जो शनि का दान लेने वाले, उनको ही दान दीजिएगा, और उसके बाद लाजवर्द रत्न को पहन लीजिएगा, गले में धारण कर लीजिएगा। तो ये प्रश्न था लोगों का, उसका जवाब मैंने दे दिया। और आप में से जो भी लोग लाजवर्द रत्न लेना चाह रहे हैं, तो जल्दी करिएगा, क्योंकि जो फ्री वाला सिस्टम हमने शुरू किया है कुछ दिनों के लिए, इसमें बहुत तेजी से चीजें निकल रही हैं, और कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए। थोड़ी जल्दी करिएगा तो ताकि आप तक तो चीजें पहुंच जाए। अब बात करते हैं राशिफल की। बात करते हैं आपकी राशि तुला की। आज का दिन जीवन साथी के सहयोग पाने के लिए अच्छा है। आज आप अपने प्रीतम पर उम्मीद कर सकते हैं कि वो आपके लिए कुछ करें, वो आपकी शान में कुछ दो बातें कहें, या आपके लिए कुछ शॉपिंग करके लाएं, या आपको कोई गिफ्ट वगैरह दें। आज आप इसकी उम्मीद करें और ये उम्मीद पूरी भी हो जाएगी। रोमांटिक होंगे, बच्चों की पढ़ाई लिखाई बढ़िया होगी, वक्त से होगी, शानदार होगी। शाम वाम को कहीं थोड़ा घूमने फिरने का मौका भी लग जाएगा। आप अपनी जमा पूंजी को बढ़ा सकते हैं। सट्टेबाजी और शेयर मार्केट में हानि संभव है, संभल के रहिएगा। सेहत बढ़िया रहेगी, वही खाएं जो पच जाए। ज्यादा लालच मत करिएगा वरना पेट धोखा दे जाएगा। आज सुबह उठकर व्यायाम जरूर करें, किसी महिला की बददुआएं बिल्कुल भी ना लें, सभी का सम्मान करें, नहीं तो काम बिगड़ जाएंगे। आज आप संपत्ति की खरीदारी या आपकी किसी पुरानी संपत्ति का लेन देन का सौदा, या किसी को किराए पर चढ़ाना या कहीं लीज पे देना इत्यादि में सफल होंगे। आज आप अच्छा पैसा कमाएंगे, आपका मनोबल जो है काफी ऊपर होगा। आप नया काम शुरू करने के लिए वक्त भी देंगे, और इस वक्त में जो काम शुरू करने की सोच रहे हैं, उस वक्त का पूरा लाभ भी मिलेगा। यानी जितना वक्त किसी काम को शुरू करने के लिए दिया, उस वक्त में कोई ना कोई रिजल्ट निकलेगा और वो पॉजिटिव होगा। चिंता ना करें, देर सवेर आपको वैसा ही मिल जाएगा जैसा आप चाहते हैं। वर्तमान में जी, वर्तमान को समझें, और कुछ लोगों की गलतियों को माफ कर कर अगर कुछ लोगों ने आपके जो चाहने वाले हैं या आपके आसपास हैं, उन्होंने कोई गलती की है, तो अगर आप उनको उनकी गलती माफ करने लायक है और आप माफ कर सकते हैं, तो उनको माफ करके अपने साथ काम में जोड़ लीजिएगा। इससे रिश्ते भी सुधरेंगे, आपको अच्छे लोग भी मिल जाएंगे, और पैसा भी आएगा, और टेंशन भी दूर होगी। और लाइफ में टेंशन हटना बहुत जरूरी है, लेकिन एक शर्त है, अगर किसी ने कोई ऐसी गलती करी है जो माफी करने लायक नहीं है, और वो चापलूसी करे, आपके पैर पड़े कि मुझे माफ कर दो, तो सोच लीजिएगा, ध्यान से फैसला करिएगा। अगर माफ करने लायक है तो करिएगा, चाहे ये आपका कोई एम्प्लॉई हो, चाहे भाई हो, चाहे सगा संबंधी हो, या कोई रिश्ता हो, तो यहाँ पे फैसला आपका है। इस तरीके से आज आपका दिन बीतता हुआ दिखाई पड़ेगा, तो अच्छा दिन है, कुछ सोच विचार करने का दिन है। हनुमान जी की उपासना करिए, भगवान विष्णु के नाम का स्मरण करिए, माँ लक्ष्मी की आराधना करिए, गायत्री मंत्र का जाप करिए, मंगल ही मंगल होगा, और साथ ही साथ भगवान माँ दुर्गा की आराधना करिए, आपके लिए मंगलकारी होगा, और पीपल के वृक्ष की सेवा करिए। हनुमान मंदिर जा सकते हैं तो जरूर जाएं, मंगल ही मंगल आपके जीवन में बजरंग बली कर देंगे। हरिओम, नमस्कार।